हेलो एवरीवन एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत और आज का वीडियो एक प्रॉपर गाइड है कि अगर आप लोगों ने एफ एक्स थर्टी परचेज कर लिया है तो इसके लिए आपको कौन से लेंसेज का सेट परचेज करना चाहिए देखिए जब मैंने वीडियो इसका फुल रिव्यू अपने चैनल पर अपलोड किया था तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने डिस्क्रिप्शन में कमेंट किया था कि यार इसके लिए रिकमेंडेड लेंस बताओ बिकॉज ऑफ ये एक सुपर थर्टी फाइव फॉर्मेट में आने वाला कैमरा अब देखो ये एक सुपर थर्टी फाइव फॉर्मेट कैमरा तो है ही बट एक बहुत ही एडवांस कैमरा है और ये जो है वो सोनी ई माउंट सिस्टम के साथ में आता है तो काफी सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि जो एग्जिस्टिंग कैमरा अगर आप लोगों के पास पास है लाइक सेवन एम थ्री या ए सेवन फोर या ए सेवन एस थ्री तो जो लेंसेज हैं वो फुल फ्रेम यू नो सेंसर के लिए डिजाइन है तो क्या वो एफ एक्स थर्टी पर चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे सबसे पहले क्लियर आंसर ये दूं कि ये ई माउंट सिस्टम पे है तो ये एक बहुत ही वर्सेटाइल माउंट है और अगर आपके पास सोनी का कोई भी फुल फ्रेम लेंस एग्जिस्टिंग लेंस कोई भी है तो वह आप इस पर यूटिलाइज कर सकते हो अब उसमें आपको एक चीज ध्यान रखने वाली ये रहेगी कि जब आप जो है वो सोनी के फुल फ्रेम लेंसेज अगर आप यूज करने वाले हैं सुपर थर्टी फॉर्मेट वाले कैमरा के ऊपर आपका जो फोकल लेंथ है वो 1.5 से मल्टीप्लाई होकर के एक्सटेंड हो जाएगा तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर आपने इसके ऊपर पैतीस एम एम फुल फ्रेम लेंस जो है वो अटैच किया लेट्स टेक एन एग्जांपल थर्टी फाइव एम पॉइंट जी मास्टर या थर्टी फाइव एम वन जी लेंस अगर आपने इस पर अटैच किया तो जब आप अटैच करोगे तो ये पैंतीस एम एम की फोकल लेंथ जो आपको फुल फ्रेम सेंसर पे मिल रही थी वो यहाँ पे फिफ्टी एम एम में कन्वर्ट हो जाएगी तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी फुल फ्रेम सेंसर वाले Lenses, अगर आप इस एफ एक्स थर्टी वाली बॉडी पे अटैच करते हैं तो आपकी जो फोकल लेंथ है वो एक्सटेंड हो जाती है वन पॉइंट फाइव से बाकी जो लेंसेज हैं वो प्रॉपरली चलेंगे और फोकस प्रॉपरली चलेगा क्वालिटी ऑफ विजुअल्स पूरे प्रॉपर शार्प आपको दिखाई देंगे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ऑफ फिल्म में बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो इस कैमरा के लिए वन ऑफ दी रिकमेंडेड लेंस अगर आप बजट प्राइजिंग में देख रहे हो तो अठारह एक सौ पांच आता है एटीन वन जीरो फाइव एफ फोर अपर्चर में पावर जूम ये जो पावर जूम लेंस है ये मेरा सबसे फेवरेट है ये मैं फर्स्ट नंबर पे रखूंगा इस कैमरा के साथ में क्योंकि आपको जो है वो सर्वो जूमिंग का कंट्रोल जो है वो कैमरा से ही किया जा सकता है यूजिंग दैट लेंस अब वो जो लेंस है ना अठारह एक ये काफी अफोर्डेबल लेंस है बाय द वे इन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा जो भी लेंस मैं रेकमेंड करने वाला हूँ जाकर के आप देख लीजिएगा सर्वो लेंस है प्लस अठारह से एक तक की आपको रेंज मिल जाती है और एपीएससी फॉर्मेट के लिए डिजाइन किया हुआ लेंस है तो फोकल लेंथ भी आपको प्रॉपर नजर आएगी और सबसे अच्छी बात यह है कि इट्स अ वर्सेटाइल लेंस फॉर वेडिंग शूट्स और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग और अगर आप यू नो डेली कवरेज वाला कंटेंट बनाते हो जैसे अगर आप न्यूज मीडिया से हो या वेडिंग का ओवरऑल कवरेज रिकॉर्ड करते हो उस केस में इस कैमरा के साथ में बॉडी के साथ में एक वन ऑफ दी रिकमेंडेड लेंस मैं आपको बोलूंगा नाउ सेकंड लेंस की तरफ चले अगर आपका अफोर्ड बजट थोड़ा और ज्यादा है तो सेम सर्वो ज़ूमिंग के के अंदर सोनी को मिलेगा एंड वन सेकेंड अगर आप कवरेज शूट करते हो वेडिंग शूट करते हो या डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग में हो तो ये बहुत ही बड़ा बढ़िया ऑप्शन है टू तो गो विथ इसके साथ साथ में एक अगर आप वाइड स्पेसिफिकली वाइड शॉट लेना चाहते हो या गिम्बल

वेडिंग वीडियो फॉर गिम्बल शूटिंग आई थिंक इट्स वन ऑफ दी रिकमेंडेड लेंस फ्रॉम माई साइड टू गो विथ. सो ये तीन लेंस मैं पावर जूम की कैटेगरी में सजेस्ट करूंगा आपको अठारह एक सौ पांच अठारह एक सौ दस और दस बीस फुल फ्रेम के अंदर सोनी ने सोलह पैंतीस का भी एक पावर जूम वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो उसकी तरफ भी आप जा सकते हो वो भी एफ फोर अपर्चर में आएगा और वन सेकेंड वो पावर जूम वाले हैं जितने भी मैं पीजेड बोल रहा हूँ पावर जूम वो इस टॉलर को यूज करके उनका जूम इन जूम इन और जूम आउट को कंट्रोल कर सकता है और बनाए गए स्पेसिफिकली फॉर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग सिनेमैटिक वीडियो कवरेज वीडियो और इस टाइप के स्पेसिफिक कॉन्टेंट के लिए ये लेंसेज मैं आपको हंड्रेड एंड टेन परसेंट रिकमेंड कर सकता हूँ विद दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैमरा और इन सभी के रिव्यूज़ में इंडिपेंडेंट रिव्यूज़ अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ अगर आपको लेंसेज के वन बाय वन रिव्यूज़ देखने हैं तो वो भी आप जाकर के मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं और लिंक भी आपको सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ना अगर मैं ब्लॉक लेंसेज की तरफ चलूँ तो यार देखो फुल फ्रेम में भी ब्लॉक लेंसेज आते हैं तो वो भी बहुत अच्छे हैं आप पैंतीस में जी मास्टर और जी लेंस ले सकते हो दोनों ही बहुत अच्छे हैं जी मास्टर में आपको 1.4 का अपर्चर मिलता है और जी में आपको 1.8 का अपर्चर देखने को मिलता है फिर अगर आप इसी टाइप से फुल फ्रेम में जाना चाह रहे हैं तो एज आई सेट थर्टी 35, 50 और इसके अलावा 55 और इसके साथ साथ में ए डी फाइव टी एम एम और uh, 20 और ट्वेंटी फोर एम ऐसे ब्लॉक लेंसेज में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है फुल फ्रेम के अंदर अगर आप ए में जाना चाहो तो ए में दे आर टर्न ऑफ लेंसेज अवेलेबल तो रिसेंटली अभी सोनी ने जो है वो ग्यारह एम एम और पंद्रह एम एम का ब्लॉक लेंस ए फॉर्मेट के लिए लॉन्च किया था तो इसमें जो 11 इलेवन एम mm है वो एफ वन पॉइंट अपर्चर में आता है और फिफ्टीन एम एम जो है वो एफ वन पॉइंट अपर्चर में आता है दोनों ही लेंसेज बहुत अच्छे हैं वो ब्लॉक में अगर आप ईपीएससी में लेना चाह रहे हो तो वो मैं हंड्रेड एंड टेन करूंगा फिर 35 और पचास का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है एंड फॉर टू टेल यू अगर आप जूम रेंज में भी जा रहे हो तो चौबीस सत्तर जी मास्टर और इसके साथ साथ में सत्तर दो जी मास्टर भी एक बहुत अच्छी चॉइस रहेगी इस पर्टिकुलर एफ एक्स के लिए तो देखो मेरी दो रिकमेंडेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अगर आप डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग के अंदर जाना चाह रहे हैं तो पावर जूम लेंसेज इसके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है बिकॉज ऑफ वो आपको एक एक्स्ट्रा ग्रिप प्रोवाइड करेगा एक्स्ट्रा यू you नो know, कंट्रोल देगा जो कि आप बॉडी से ही कंट्रोल करके जूम इन जूमआउट कर सकते हो और जैसे कि मैंने बताया 18 105 जो है वो काफी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में है वो आपके बजट में इस बॉडी के साथ में बहुत अच्छे से सूट करेगा अगर आप यू नो बजट को लेकर के आपका कंसर्न है विद दी वीडियो प्रोडक्शन अदरवाइज जैसे मैंने बताया अगर आपके पास में बजट का कंसर्न नहीं है 2.8 पॉइंट एटर में जाना चाहते हो जी मास्टर में फुल फ्रेम में आप ले सकते हो और ब्लॉक लेंसेज में आप सोनी के जी मास्टर और जी लेंसेज को परचेज कर सकते हो आंख बंद करके मैं एज ऑफ नाउ इसमें ए में जो है वो 10 20 एम mm एम यूज कर रहा हूँ इसके साथ साथ में मैं जो है वो 15 एम mm एम यूज कर रहा हूँ 11 एम mm एम

जिनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो जाके चेकआउट करें और साथ साथ में ऐसा ही सेट के यार आप लोग आग बंद करके इनमें से कोई भी लेंसेज ले सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ जो लिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए जो भी लेंस मैंने अभी बताए हैं आप लोगों को थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टेट यून एंड कीप शूटिंग